क्लास एज यू ऑल नो नेक्स्ट वीक से तुम लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और डेट शीट मैंने नोटिस बोर्ड पर लिख दी है, तो सारे बच्चे साफ साफ हैंड राइटिंग में. इज इट क्लियर? साफ साफ हैंड राइटिंग में. यस मैम. ये डेट शीट नोट कर लेंगे. बाद में मुझे ये नहीं चाहिए कि मैम हमने तो इंग्लिश के पेपर में हिंदी पढ़ लिया, अब हम क्या करें. तो डेट शीट आंख खोल कर नोट करना. ओके. एंड ऑल्सो मेरी क्लास में अगर कोई भी स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो प्रिंसिपल मैम उसे बाद में पनिश करेंगी, मैं खुद उसे स्कूल से रस्टिकेट करवा दूंगी. ओके. सो नो चीटिंग एट ऑल इन माय क्लास. इज इट क्लियर? ओके. सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. ओके, चलो स्टडी करो. थैंक यू मैम. इस बार वाट लगने वाली है हमारी. टीचर ने बिल्कुल चीटिंग नहीं करने देगी. अरे कुछ नहीं होगा, टीचर तो हर बार ऐसी बोलती है चीटिंग मत करना, ये मत करना, वो मत करना, और लास्ट में आगे ना खुद ही चीटिंग करवाते हैं वो. है सच में? हाँ देखा था कि तूने लास्ट टाइम ना बोर्ड के एग्जाम में 10th के बच्चों को खुद आगे पेपर बता रही थी वो. यार जो भी कहूँ, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, इतना सारा सिलेबस है और एक हफ्ता बचा है रिवाइज करने के लिए. अरे कुछ नहीं होता यार, बहुत टाइम है, आराम से पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे. और कल सैटरडे है, छुट्टी है, तो एक काम करो ना, तू मेरे घर आ जाइयो, आराम से बैठ के पूरा सिलेबस भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि कब कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है. गुड आइडिया. पर यार तेरे घर में तेरा भाई बहुत डिस्टर्ब करता है. हाँ यार ये तो है, बहुत कमीना है मेरा भाई ना. तो मैं तेरे घर आ जाऊँगी, तेरे घर पर पढ़ाई कर लेंगे. क्या यार तुझे पता है, मेरे घर में जॉइंट फैमिली है, मैं खुद लाइफ में स्टडी करती हूँ. हाँ यार तूने बताया था. चल ठीक है, तू ना मेरे घर ही आ जाओ, छत पे बैठ के पढ़ लेंगे, वहाँ पे कोई नहीं परेशान करेगा. हाँ ये ठीक रहेगा. चल ठीक है, बाय, कल स्कूल में मिलते हैं. ठीक है, बाय, टाटा. अरे हाँ लेकिन सही तो है, पूरा हफ्ता है, आराम से हिस्ट्री की तैयारी कर लेंगे. वैसे भी हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा और दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कौन करेगा? अरे तो जब जो एग्जाम होगा उसकी तैयारी कर लेंगे. सिंपल. अब देख, जैसे कि सेकंड पेपर हमारा हिंदी का है और 3 दिन का गैप है, तो 3 दिन में आराम से हिंदी की तैयारी नहीं कर लेंगे? सेकंड पेपर हिंदी का नहीं, मैथ्स का है. क्या बात कर रही है, दिखा. ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए. शुरू हो गया तेरा भाई, मैंने कहा था ना हो गई हमारी पढ़ाई. हाँ यार ये भी ना एक नंबर का कुत्ता है. तू एक काम करना, तू जाके इसको बोलना तेरी बात मान लेगा. अच्छा ठीक है, मैं पानी भी लेके आती हूँ. वाह बेटा, यहाँ मुझे एग्जाम की टेंशन हो रही है और तू फोन में लगी है. अरे फोन में टाइम पास नहीं कर रही, इधर आ बताती हूँ. देख फेसबुक और इंस्टाग्राम ना अब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रह गए हैं, कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलता. और यूट्यूब पर अगर मैं किसी क्रिएटर से सवाल पूछ लूँ तो उसका जवाब मिलना तो मुझे लॉटरी लगने के बराबर लगता है. ऐसे में ना मैंने एक ऐप डिस्कवर की है जिसका नाम है पंखुड़ी. यहाँ पर मैं हर रोज़ कुछ नया सीखती हूँ और यहाँ पर मेरे सवालों का जवाब भी मिल जाता है. और पता है इसके अलावा मैं बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी जीतती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में. देख फ्री में रुपीज कमाओ और फ्री में प्रोडक्ट्स जीतो, सही है ना? अच्छा और पढ़ाई के बीच में तुझे ये सब करने का टाइम मिल जाता है? अरे इसे यूज़ करना और इसी क्लासेस लेना इतना इजी है कि कोई भी कर सकता है. मैं तो बोलती हूँ कि तू भी डाउनलोड कर ले. ठीक है, थैंक यू, बाद में बोल रही हूँ. थैंक यू नहीं बोल रही हूँ. अच्छा ये बता इसमें और क्या है? हाँ यहाँ पर तू ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स बना सकती है ताकि अगर मैं बिजी रहूँ तो उनके साथ गप्पे लड़ा ले. लेकिन सबका फायदा क्या है? अरे यहाँ पर क्लासेस के बाद ना सर्टिफिकेट और रूबीज भी मिलते हैं जिससे कि तू और भी कुछ नया सीख सकती है. ये तो सही है. फिर हाँ वही तो बोल रही हूँ, तू भी यूज़ करना स्टार्ट कर दे. पता है अब तो मेरी मम्मी भी यूज़ करने लगी और वहाँ पर उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके ना बहुत सारे हैम्पर्स भी जीत लिए हैं. क्या बात कर रही है. और तो और मम्मी के बोरिंग खाने की जगह ना अब पिज्ज़ा खाने को मिलता है जो उन्होंने पंखुड़ी ऐप की मास्टर क्लासेस से सीखा है. और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐप सिर्फ फीमेल्स के लिए है. यार ये तो सही है, घर जाके ना मैं भी अपनी मम्मी को इस ऐप के बारे में ज़रूर बताऊंगी. हाँ और ये भी बताइए कि पंखुड़ी अपना एक नया फीचर भी लेकर आई है जिसमें कि यहाँ के एक्सपर्ट और ट्रेनर्स लाइव आकर तुझे बहुत सारी यूनिक चीज़ें भी सिखाते हैं. देख जैसे कि बेकिंग, क्विक मील कुकिंग, मेहंदी, डांस, टैरो, स्किन केयर एक्सेट्रा, जिसमें कि तू अपने सारे सवालों के जवाब पूछ सकती है. और पता है यहाँ के ट्रेनर्स
टीचर्स और एक्सपर्ट तुरंत तुझे उसका जवाब भी देंगे। अच्छा जल्दी से ये बता, इसे डाउनलोड कैसे करना है? अरे मैंने लिंक दिया है ना डिस्क्रिप्शन में, बस क्लिक कर और डाउनलोड कर ले। अच्छा घर जाके मम्मी से भी करवाऊंगी। हाँ ठीक है। ओ शिट यार, इन सब में मैं तो ये भूल ही गई, तू क्या बोल रही थी सेकंड पेपर मैथ्स का है? हाँ सेकंड पेपर हिंदी का नहीं मैथ्स का है। यार मैंने तो हिंदी नोट कर रखा है, दिखा तेरी डेट शीट। हाँ अच्छा एक काम करेंगे, कल स्कूल में किसी और से पूछ लेंगे। हाँ ये सही रहेगा। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया है ना। अरे हाँ मैंने ना पूजा से पूछा, सेकंड पेपर ना मैथ्स का ही है, मैं सोच रही थी हिंदी का है। हाँ देखा कहा था ना मैंने। हाँ यार अभी पता चलता मैथ्स के पेपर में मैं हिंदी पढ़ के जा रही हूँ। यार काश हमारा रोल नंबर साथ में होता। हाँ यार फिर तो मजा ही आया था, मतलब आधा तू पढ़ती आधा मैं पढ़ती, दोनों एक दूसरे को बता देते और दोनों टॉप कर लेते, कितना सही होता। तो यही खड़े खड़े टॉप करने का इरादा है तुम दोनों का? कौन से सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा है ये? हाँ एग्जाम सर पे है लेकिन तुम दोनों को गप्पे लड़ाने से ही फुर्सत नहीं है यार। और असाइनमेंट देखा मैंने तुम लोगों का, जीरो मार्क्स मिलेंगे, जीरो। हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं है एग्जाम की, फेल हो जाओगे दोनों। मैम हम एग्जाम से डिस्कस कर रहे थे। हाँ मैम हम वो नोट्स लेंगे तो मैंने तो हम मैम एक बार थी बच्चों को। हाँ नाउ गो बैक टू योर क्लासेस। ठीक है ओके मैम। बाहर रखवा देती है और फिर जिन बच्चों का पेपर जल्दी हो जाता है वो लोग चोरी कर करके भाग जाते हैं। तू क्यों लाई है वैसे? अरे बुक्स है इसमें, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। हाँ यार ये तो बिल्कुल सही किया तूने। अच्छा ये बता वो वाला क्वेश्चन पढ़ा तूने, जलिया वाला बाग हत्याकांड वाला? हाँ जलिया वाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1993 अमृतसर में हुआ था। अरे नहीं 1993 नहीं 1923 को हुआ था। नहीं 23 नहीं यार 13 को। यार मैं भी भूल गई पता ही। अच्छा एक बार बुक में चेक कर लेते हैं। यार ये हर बार आता है, देख जल्दी देख इसका आंसर क्या है। लेट भी हो रहा है, चल जल्दी चल जल्दी चल क्लास के बाहर बैठ के पढ़िए। यार पता नहीं जो पढ़ा है वो आएगा भी या नहीं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। और 7th चैप्टर तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, पता चले उसी में से सब कुछ आ जाए। और मेरे घर पे तो इतना शोर था मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैंने कौन सा कुछ खास पढ़ा है, चल छोड़ ये सब, अभी तो टाइम है ना, आज ना रिवीजन करते हैं। ला तेरा रजिस्टर ला, मैं तो बुक भी नहीं लाई, जल्दी ला। नोट्स बना रखी है ना तूने? हाँ यार अब तो कुछ याद नहीं होगा। तू ये वाला पेज पढ़ ले, मैं ये वाला पढ़ लेती हूँ। तो सबको क्वेश्चन पेपर मिल गए हैं। सबसे पहले आंसर शीट पे सारे स्टूडेंट्स अपना अपना रोल नंबर लिखेंगे और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लो, बाद में किसी को भी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ओके सो टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। फटाफट देख लेती हूँ कौन सा क्वेश्चन आता है, फिर उसे सबसे पहले कर लूंगी। हाँ ये वाला तो याद है लेकिन यार थोड़ा थोड़ा याद है, एक काम करती हूँ इसे लास्ट में करती हूँ, तब तक ना पूरा याद आ जाएगा। अरे यार शिट ये वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं, यही चैप्टर रह गया था। और ऐसा करती हूँ माता रानी का नाम लेके फटाफट से एमसीक्यू कर लेती हूँ। यार ये भी नहीं आता मुझे तो, ये भी लास्ट में करती हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने पूरी बुक में नहीं देखा।
ओके सो क्लास लास्ट के 10 मिनट्स बचे हैं। अगर किसी को एक्स्ट्रा शीट्स चाहिए तो अभी ले लो, इसके बाद किसी को भी कोई एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेगी। और सारे बच्चे सारी एक्स्ट्रा शीट्स को अपने आंसर शीट के साथ बांध लेंगे पहले ही, बाद में किसी को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। लास्ट 10 मिनट आ गया, अरे सब याद आ गया मेरे को तो। यार इसमें तो नंबर मिल जाएंगे मेरे, और 5 नंबर का क्वेश्चन कैसा गया तेरे एग्जाम? अरे यार क्या बताऊँ कैसा गया, जितना भी पढ़ा था ना उसमें से कुछ भी नहीं आया, एक क्वेश्चन भी नहीं आया। लेकिन लास्ट के 10 मिनट जो मेरा दिमाग चलाया ना बाय गॉड, उसी में ना मैंने पूरा पेपर कर दिया। और मैम तो ऐसे देख रही थी, मैं ऐसे फुर 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 लिख रही थी, वो भी सोच रही थी कि क्या लिख रही है ये, लेकिन पास तो हो जाऊंगी मैं। और तेरा कैसा गया वैसे? मेरा तो यार पूछ मत, 10-10 नंबर की 2 क्वेश्चन आंसर छोड़ गए, और MCQ वो तो मैंने माता रानी का नाम ले लेके करे हैं। सही है तेरा, पास हो जाएगी ना, या फिर नारियल फड़वाऊं तेरे लिए मैं? मैं तो कल सबसे पहले मंदिर जाऊंगी। चल तेरा सही है, भगवान के नाम पे पास तो हो जाती है ना। अभी तूने उसे देखा था पूजा को, पीछे बैठ के ऐसे खुलेआम चीटिंग कर रही थी, गाइड बगल में रख के, मैं उसे देख भी नहीं रही थी। और मेरे से तो यार चीटिंग होती ही नहीं है, हाथ पैर कांपने लग जाते, ऊपर से वो मैम मेरे सर के आगे खड़ी थी। अच्छा तू ना ये सब छोड़, देखियो नेक्स्ट पेपर कौन सा है। अरे हाँ नेक्स्ट तो मैथ्स का है। अरे सही है, मैथ्स में तो कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे जाऊंगी मैं तो। शिट यार क्या हुआ, इंग्लिश के पेपर में तो गैप ही नहीं है। तू पढ़ती है क्या इंग्लिश? मैं तो नहीं पढ़ती, ग्रामर करके आ जाती हूँ, और वैसे भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर कौन याद करेगा इंग्लिश के, मुझसे तो नहीं होते। और वैसे भी ग्रामर में पासिंग मार्क्स मिल तो जाते हैं। हाँ पर चल ठीक है यार, पढ़ना तो है नहीं, वैसे भी मैथ्स का पेपर है, रिवीजन करना नहीं है, चल चलते हैं घर। ओके ऑल द बेस्ट क्लास, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सबको। ओके हिंदी मैम आज तो मैथ्स का पेपर था। यस मैम आपने ना गलती से हिंदी का पेपर दे दिया। नलायको आज हिंदी का पेपर ही है, क्लास पे थोड़ा ध्यान दे दिया करो। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, सब्सक्राइब कर लेना।